क्या हो? कर लेना मेरा मरने के लिए। अम्मी क्या हुआ आपको? सब कुछ जान कर भी तुम कुछ नहीं समझते। शहबाज, मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए जी। हम बिलावजह बैठे इंतजार करते। अगर मैंने अपनी बहन से वादा ना किया होता तो मैं उससे तुम्हारी शादी जरूर करार देती। मैं समझ रही थी ज़ियान स्टडीज की वजह से खामोश रहती। मुझे नहीं पता था कि वो और मर्दों की तरह बुजदिल। वो कमजोर नहीं है, मजबूर है। तो मजबूर तो कोई भी मर्द हो सकता। प्लीज ज़ारा, अब तुम उसकी हिमायत मत करो। वो चाहता तो तुम्हें अपना सकता। लेकिन वो यही तो चाहता है। इतने वाज़े इनकार के बाद भी तुम ये बात कर रही हो? उसूलन तो उसका ख्याल तुम्हें अपने दिल से निकाल देना चाहिए। हर चीज इतनी आसान होती है क्या? पर नामुमकिन भी नहीं होती। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। सम थिंग्स आर इम्पॉसिबल। तुम क्यों खामखा अपनी जिंदगी को मुश्किल बना रही हो? जिंदगी तो मुश्किल खुद ही बन गई। सरासर हिमाकत है ये। बेबसी, कुछ कर भी तो नहीं सकती। वॉट एवर, तुम्हारी मर्जी। हेलो ज़ारा, तुमने मुझे फोन किया था? नहीं, मैंने तो फोन नहीं किया था। झूठ मत बोलो, मेरे मोबाइल में तुम्हारा फोन आया था अभी। I'm sorry सियान, दरअसल मैं खुद को समझा कर थक गई हूँ। पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता कैसे समझा। सारा प्लीज ऐसे तो नहीं रो। I'm so sorry। तुम्हारी मजबूरियां जानने के बावजूद भी मैं तुम्हें इस तरह परेशान कर रही हूँ। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ। I can't talk anymore। सारा रुको, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? इस बात पर राजी होगी तुम? Are you sure? निकाह करना चाहते? हाँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता सारा। मैंने बहुत बार अपने आप को रोकने की कोशिश की लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी? मोहब्बत में कैसी शर्मिंदगी? और जब हम दोनों राजी हैं तो फिर हमें कोई कैसे रोक सकता है? बस मैं कल ही तुम्हारी अम्मी से मिलने आ रहा हूं। बाय। तो तुम ज़ारा से शादी करना चाहते हो?
जी। तो ये बात करने तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई, तुम खुद क्यों चले आए? आंटी आंटी वो नहीं आएंगी इसलिए मैं खुद आया हूँ। यानी तुम्हारी अम्मी शादी में नहीं आएंगी? आंटी मैं बाद में उन्हें मना लूंगा। बाद में जारा की उस घर में क्या इज्जत होगी ये तुम्हें मालूम है? आजकल तो कोई अजीज करीबी रिश्तेदार भी बगैर इत्तला के उनके घर नहीं जाता। लेकिन आंटी बस जारा इस तरह तुम्हारे घर नहीं जाएगी। अगर अपनी वालदा को राजी करके इज्जत से इसका हाथ मांगने आओगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस तरह से हरगिज नहीं। प्लीज ज़ियान की बात मान जाए ना। जारा तुम अंदर जाओ। मम्मी मैंने कहा ना कि तुम अंदर जाओ। मेरा ख्याल है कि हम बात खत्म कर चुके हैं। अगर मेरी बात तुम्हारे इख्तियार में हो तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, वरना ज़ारा तक जाने वाला हर दरवाजा बंद समझो। ज़ियान क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो उदास उदास? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेहरुनिसा बता रही थी कि बाहर से आए थे तो परेशानी में लग रहे थे। मेहरुनिसा तो हर वक्त मेरी वजह से परेशान रहती है, हर वक्त बंदा हंस तो नहीं रहा होता ना मम्मी। चलो शुक्र है कि तुम ठीक हो, मैं तो घबरा ही गई। आप और आपकी भांजी ना दोनों कमाल है वैसे। बच्चे ठीक भी हो ना तब भी माँ को फिक्र लगी रहती है। अच्छा जी जी, और खास तौर पे जब आप जैसी माँ। अच्छा बाहर चलो चल के चाय पीते हैं, परेशान हो रही होगी मेहरुनिसा। चलें। मम्मी मेरी फीलिंग्स जानते हुए भी आपने उसको लौटा दिया। क्या करती, उसकी बात मान लेती? वो बाद में अपनी अम्मी को मना लेगा ना। और तब तक तुम नहीं जानती ज़ारा, ऐसी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती जो जो बगैर ख्वाहिश के अपने ससुराल चली जाती है। अगर उसका सपोर्ट होगा मेरे साथ तो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी। मम्मी दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, मैं हरगिज इस शादी की इजाजत नहीं दे सकती। इस वक्त तुम जज्बाती हो रही हो लेकिन मैं इस तरह नहीं सोच रही। मैं आज के साथ साथ कल को भी देख रही हूं। इसका मतलब है आप बिल्कुल भी नहीं मानेंगी? हरगिज नहीं। तो फिर हम निकाह कर लें? आपको तो ठंडे पसीने आ रहे हैं, तेज बुखार है। आंटी मानी? नहीं। फिर? हमें अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी ना ज़ियान। मतलब कि ना ही आंटी मानी है और ना ही मेरी अम्मी, लेकिन मैं तुम्हें तो खोना नहीं चाहती। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता यार, इसलिए तुम्हारी अम्मी के पास गया था।
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी मम्मी को राजी कैसे करूंगा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मम्मी को किस तरह मनाऊं। शायद हमें उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब सारी रुकावटें खुद ही खत्म हो जाएं। सियान मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। ऐसा ना हो कि ये हमारी मजबूरियां हमेशा की रुकावटें बन के खड़ी हो जाए। क्या करें फिर? ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ जरा। तो फिर हम निकाह कर लें। जो भी होगा आगे साथ मिलके सह लेंगे। यार वैसे लेकिन इसके अलावा मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। यार तुम पागल हो गए हो। इस तरह ज़ारा कभी भी तुम्हारी अम्मी के दिल में जगह नहीं बना पाएगी। आंटी उसे हमेशा एक आजाद ख्याल और लापरवाह लड़की समझेंगी जिसे ना तो अपनी माँ की इज्जत का ख्याल है और ना अपनी। हाँ लेकिन हम फैसला कर चुके हैं। तुम बस ये बताओ तुम हमारा साथ दे रहे हो कि नहीं। ऑफ कोर्स दूंगा यार तुम्हारा साथ, लेकिन इस तरह के बांधे गए बंधन से जो मसाइल पैदा होते हैं तुम्हें उनसे आगाह कर रहा हूँ। इसकी तुम परवाह ना करो। तुम बिला वजह की फिक्र ना डालो। ओके, हम ये निकाह शर्मीन के घर पे रख लेते हैं। वैसे भी आजकल उसके डैडी मुल्क से बाहर गए। फिर तो सारा मसला ही खत्म हो गया। मसले तो इसके बाद शुरू होंगे यार। कैसे दोस्त तुम इतनी देर से मुझे डरा रहे हो? बस पहले इतना परेशान हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो गनीमत है कम से कम जवाब तो दिया। वैसे कर क्या रही हैं आप? जो आपको नजर आ रहा है। भाई ऑल वर्क इन नो प्ले विल मेक ज़ारा रियली डल गर्ल। पढ़ाई के अलावा और भी काफी कुछ चीजें हैं जिंदगी में। मसलन बाहर जाना, दोस्तों से गुफ्तगू करना, शॉपिंग करना। सॉरी मुझे शॉपिंग में कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा, पर मुझे तो है। इनफैक्ट आज मॉल में घूमते घूमते मैं एक ज्वेलर की दुकान में घुसा एंड गेस व्हाट, मैंने एक बहुत ही प्यारी डायमंड की रिंग खरीदी। लगता है आपका मंगनी करने का इरादा है। इरादा तो है, पर पहले लड़की तो राजी हो। अगर आपका इशारा मेरी तरफ है तो सॉरी ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों, मुझ में कोई कमी है? आप मुझे उस तरह अच्छे नहीं लगते। तो फिर इसका क्या करूं? उसी के लिए रख लें जो आपको अपना ले। अपनाना तो मैं तुम्हें ही जाता हूँ। ठीक, मैं आपको इस सवाल का जवाब दे चुकी हूँ। आप बैठें प्लीज, मैं अम्मी को बुलाती हूँ। कहीं जा रहे हो बेटा? जी जिम। आज कॉलेज भी नहीं गए तुम? बस हमें एक जरूरी काम से जाना था इसलिए। तो 11 बजे नाश्ता तो कर लेते। अम्मी बस जहां जा रहा हूं वही कर लूंगा।
ऐसे क्या देख रही हम? बहुत अरसे बाद तुम इस तरह से तैयार दिख। क्यों, मैं अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। अल्लाह नस्ते पद से बचाए तुम्हें। थैंक यू अम्मी। अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ, लेकिन फिक्र मत कीजिएगा, मैं रात को थोड़ा सा देर से आऊंगा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़। अरे बाबा, मेकअप इतना लाइट किया हुआ, थोड़ा सा डार्क करो। अरे नहीं ना, वैसे भी तुमने मुझे इतना जर्क पर जोड़ा पहना दिया। जर्क पर? मैंने इतनी सादी दुल्हन आज तक कभी नहीं देखी। रो ना, निकाह ही तो है। मैं बहुत सज गई, बस पागल हो गई हो क्या? निकाह का लम्हा लड़की के लिए जिंदगी का सबसे अहम लम्हा होता है, और तुम ये सादी शक्ल लेके बाहर जाओगी? तस्वीरें नहीं खिंचवानी क्या तुमने? तस्वीरें कौन खींचेगा? अरे क्या तुम बाद में अपनी अम्मी और अपनी सास को अपने निकाह की तस्वीरें नहीं दिखाओगी? काश वो मान जानती शर्मीन। उफ़, जो मान नहीं रहे उनकी फिक्र छोड़ो, और जो मान गया है और तुम्हारे लिए यहाँ इतनी खुशी खुशी आ रहा है उसके बारे में सोचो। और थोड़ा सा डार्क करो, थोड़ा सा यहाँ पे बस, इस ज़्यादा मैं करूँ। चुप। अभी तक आया क्यों नहीं है? यार आता ही होगा, तुम फिक्र मत करो। निकाह करने का उसे इतना शौक है, वो वक्त पे नहीं आ सकता। तुम फिक्र मत करो, मैं टाइम पर ही आऊंगा। तुम अगर टाइम पर नहीं आए ना, तो जब तक तुम पहुंचोगे मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी वहां पे। खबरदार जो ऐसा सोचा भी तो। मुझे टेंशन हो रही है कि उसकी अम्मी को पता तो नहीं चल गया सब। यार अब डराओ तो नहीं, अगर आंटी को सब कुछ पता चल गया तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। एक काम करो, उसे फोन करके पूछो वो कहाँ है, उसे बताओ कि हम सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ ये ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूँ। लाजार? हाँ क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ? कोई बात तो है खाला जान, आप इतनी परेशान लग रही हैं। परेशान? नहीं नहीं, तो मैं तो परेशान नहीं हूँ बिल्कुल। आप मुझसे कुछ छुपा रही है ना? मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे, कोई बात ही नहीं है छुपाने वाली। वही बात जिसने आपको इतना परेशान रखा हुआ है। नहीं बेटा परेशान नहीं हूँ, बस तबीयत घबरा रही है, हो जाता है। क्यों खाला जान, क्या हुआ, मैं आपको कुछ ला दूं? नहीं ठीक हो जाएगा। खाला जान आपको तो ठंडे पसीने आ रहे हैं, तेज बुखार है। खालजान मैं जयान को फोन करके आती हूँ, वो डॉक्टर को फोन करेगा। मैं अभी बस आप बैठे, मैं बस अभी आती हूँ। मैं
यार मैं तुम्हें फोन मिला रहा था, खुदा का शुक्र है तुम आ गए। कहाँ रह गए थे? बस यार ट्रैफिक बहुत ही रास्ते में। हाँ मैरोनी सा बोलो। अच्छा अच्छा मैं आता हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? अम्मी की तबीयत एकदम बहुत ज्यादा खराब हो गई यार। मुझे जाना होगा। लेकिन जयान ये सब, प्लीज तुम सब कुछ संभाल लो, मैं रुक नहीं सकता, मैं चलता हूँ। अच्छा मैं चलूँ तुम्हारे साथ? नहीं नहीं तुम रुको, तुम यहाँ पे सब कुछ संभालो। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को बिल्कुल माफ नहीं कर पाऊंगा। आपकी मदर का इंसुलिन लेवल बहुत लो हो गया है, आप जानते हैं कि वो हार्ट पेशेंट है, इस तरह की लापरवाही उनके लिए खतरे का बाइस हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब वो ठीक तो है ना? जी जी वो खतरे से बाहर है, हमने उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है। अब आपको उनका पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा। ज़ारा कब तक इंतजार करोगी? चेंज कर लो प्लीज। नहीं नहीं सियान, अभी आएगा ना, हमारा आज निकाह है। सारा देखो आंटी की तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, सियान नहीं आ पाएगा। अपना वादा पूरा करेगा, तुम अवैस को फोन करो, उससे पूछो कि आंटी की तबीयत कैसी है, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। बल्कि ऐसा करो तुम अवैस को मत फोन करो, हमें वहां चलना चाहिए। वहां जाना मुनासिब नहीं है जारा। क्यों मुनासिब नहीं है? ज़ियान को तो इस वक्त मेरी जरूरत होगी ना, आंटी ठीक हो जाएंगी, हमें उनके पास जाना चाहिए। जारा इस होलिये में हॉस्पिटल नहीं जा सकती तुम। अभी तो तुम कह रही थी कि मैं इतनी सादा दुल्हन हूँ, अच्छा बस इंतजार नहीं करना ना, चलो ना देर हो जाएगी। और जारा चलो चलो बात। मुझे नहीं लगता बेटा कि मैं और जी सकूंगी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ये प्यार सेहान, मुझे नहीं लगता बेटा कि मैं और जी सकूंगी। मी कैसी बातें कर रही हैं? अभी मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आपनी अपनी मरती हुई माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे बेटा। मी आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है।
फिर मेहरुन्निसा से निकाह कर लो जिया। मैं मरने के बाद अपनी बहन के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। आप जो चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं आपका सर झुकने नहीं दूंगा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल। इसका तो बुखार ही नहीं टूट रहा है, इतना तेज बुखार है। आंटी दवाइयां अभी अभी थी हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। जारा जारा होश करो बेटा, उठो शाबाश। जारा प्लीज संभालो अपने आप को। आंटी अगर आप भी हिम्मत हार देंगी तो फिर जारा को कौन संभालेगा? मुझे लगा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसे मेरे साथ होता क्या? वो तो कभी मेरा था ही नहीं। उसने खुशी खुशी शादी कर ली और के भी नहीं देखा। कहती थी कि एक साए के पीछे मत भागो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने सारे सच्चे रिश्ते इस फरेब के पीछे इग्नोर कर दिए बेटा, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं हूं ना बेटा, तुम्हारी मम्मा, तुम्हारी दोस्त। रो लो बेटा, जितना रोना है आज रो लो। आज के बाद मैं तुम्हारी आंख में एक आंसू नहीं देखूंगी, एक आंसू।
अल्लाह तुम दोनों को हेर हो खुशियां दे, आबाद रहो। मेहरुनिसा, दिल छोटा ना करना बेटा, मेरी वजह से इतनी सादगी से निकाह करना पड़ा। नहीं खाला जान, ऐसा ना कहें, मेरे लिए आपका साथ ज्यादा अहम है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। नहीं बेटा, तुम देखना मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी, घर तो जाने दो तुम मुझे, ज्यान मुझे घर ले चलो ना बेटा, मुझे शादी की तैयारी शुरू करनी है। जी अम्मी, डॉक्टर ने कहा है कल आप घर जा सकती हैं, लेकिन अम्मी मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ बेटा कहो। अम्मी एग्जाम सर पर है, मैं चाहता हूँ रुक सकती एग्जाम्स के बाद। हाँ बेटा क्यों नहीं, मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि तुम पूरी तवज्जो के साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, लेकिन अगर मेहरुन्निसा को इतराज ना हो तो। जी भाई, अभी तो मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है, मायू मेहंदी बारात वलीमा, धूमधाम से सारे फंक्शन करूंगी मैं, आखिर मेरे अकलौते बेटे की शादी है भाई। या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज मैं अपनी मरहूम बहन की आंखों में सुरखरू हो गई। जारा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत मजबूर था उसे। जानते हो तुम हमेशा मेरे मामले में मजबूर ही तो होते हो, मैंने ही तो तुम्हें मजबूर किया। सारा ऐसे तो ना सोचो मेरे बारे में। फोन क्यों किया था? तुमसे माफी मांगने के लिए। प्लीज यार, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं फोन बंद कर रही हूँ। रुको प्लीज। ज़ियान, तुमने मुझे खुद से आंखें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा है, तुम क्या चाहते हो? सारा प्लीज, आई एम सॉरी। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? और कुछ कह रहे? Thank you.
क्या हुआ? फिक्रमंद हो? जान निकाल देती है मेरी। बेटा बस ये ब्लड प्रेशर जान का रोग बन गया है। लेकिन आपको टेंशन क्या है? डॉक्टर कह रहा था आपने कोई स्ट्रेस लिया किसी बात का, क्या बात है? स्ट्रेस तो कोई नहीं है बेटा, बस आप मुझे टाले मत, बताएं क्या बात है। तुम तैयार होकर कहाँ गए थे इसे यहाँ? मैं कहाँ गया था? पता नहीं, मुझे लगा कि तुम किसी बहुत खास काम से गए हो। मैं सही कह रही हूँ? जी। कहाँ गए थे? शर्मिन के घर गया था मैं। मैं और सारा निकाह करेंगे। तुम निकाह कर रहे थे अपनी माँ के बगैर? अम्मी आई एम सॉरी। तुमने सोचा कि जब मुझे इस बात का पता चलेगा कितना दुख होगा? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। उस लड़की ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है ज़िया। मेरा अकलौता बेटा, उसकी शादी हो रही थी, इतनी खामोशी से माँ के बाहर। अम्मी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। हाँ मैं गया जरूर था, लेकिन आपकी तबीयत का सुन के सब कुछ छोड़ के वापस आ गया। निकाह नहीं हुआ। ऐसे तो मत देखिए अम्मी, क्या मैं इतना बुरा हूं कि अपने जिंदगी के मामलों को आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं? आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये प्लीज स्ट्रेस लेना छोड़ दें। मेरे पैरों तले जमीन निकल जाती है। अगर तुम्हें इतनी फिक्र होती तो तुम ऐसा तो नहीं करते। प्लीज मम्मी ऐसे तो ना करें प्लीज। प्लीज मम्मी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसकी वजह से तुम्हारी मम्मी को दुख पहुंचे। प्लीज श्याम, इट्स माय लाइफ। अगर तुमने ऐसा किया ना जारा, तो समझो मैं तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर गई। लेकिन तुम्हारा धोखा उसे ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहा है।